करण बहुत खुश हो रही है तुम? तू जो आ गया है पहचाना ही नहीं जाता, बिल्कुल बदल गया है। मेरी तो पूरी दुनिया बदल गई है। सच? हाँ, सोचा तुझे मिलकर सब कुछ बता दूं। शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल तो समझा। कैसे हुआ ये जादू? मुझे मोहब्बत हो गई है तुलसी। मोहब्बत? चेहरे पे इतना नूर तुम्हारे, आंखों में इतना प्यार, ऐसा लगा मिलकर जैसे आज मिले हम पहली बार। तुलसी, सोचता हूं मैंने मोहब्बत पहले क्यों नहीं की, इतना वक्त ऐसे ही गुजार दिया। दिल करता है कि दुनिया की सारी खुशियां अपनी मोहब्बत को लाकर दे दूं, सब कुछ लुटा दूं उस पर, अपनी जान भी। बस अब और सबर नहीं होता, एक बार अपनी जबान से उसका नाम ले ले। एक बार काजल, बहुत खूबसूरत है वो। काजल मिल गई, सब कुछ मिल गया, मैं उसे शादी करूंगा। मैं जानता हूं मेरी शादी की खुशी में तू बहुत नाचेगी। नाचेगी ना? हाँ, हाँ, नाचूंगी, जरूर नाचूंगी। अच्छा तुलसी, मैं चलता हूं, मेरी मोहब्बत के लिए दुआ करना। झूठी मोहब्बत के नाटकों के लिए तो ये कोठे हमेशा ही बदनाम रहे हैं। आज कोई हमसे ही नाटक खेल गया। उसे दोष मत दो पिया जी, वो तो मेरे हाथों में फूल रख रहा था। मेरी किस्मत थी जो मुठिया खोली, डोंगार निकले। मत रो तुलसी, मत रो तुलसी, मत रो। अरे अगर तवायफों के आंसू में असर होता तो ये कोठे कब के बह गए होते। तुलसी, मैं क्यों रोने लगी भला? क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि काजल की जगह आंखों के अंदर होती है और तुलसी की घर के बाहर? मैं बहुत खुश हूं पिया जी, करण की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई है। मेरे आंसू देखकर अगर लौट गई तो इन कोठों की लाज ही डूब जाएगी। मैं बहुत खुश हूं पिया जी। संभाल मुझे, अपने आप को संभाल पिया जी। मरने से पहले एक बार काजल को जरूर देखना चाहूंगी। कहा जाता है आज तक सिर्फ तवायफों ने लोगों के घर लूटे हैं, ये कौन सी शरीफजादी है जिसने एक तवायफ की दुनिया ही लूट ली? देखा काजल, दोस्ती और शराफत की ऐसी मिसाल कहां मिलेगी? आजकल के जमाने में तो कहीं नहीं। इतना दौलतमंद होने के बाद भी रमा वो वादा नहीं भूला जो राजू की मां ने तुम्हारी मां से किया था। पापा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप हमारी बात इत्मीनान से सुनिए, ठंडे दिमाग से। हाँ हाँ, बोलो बेटा। हम किसी और से प्यार करते हैं पापा। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? इतना बड़ा राज तुमने मुझसे छुपा कर रखा? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं रमा को वचन दे चुका हूं। वचन में तो हम भी बन चुके हैं पापा, कभी न टूटने वाला बंधन। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर वो है कौन?
आप उसे जानते हैं, उसका नाम करण है। कौन करण? आपने उसे देखा भी है पापा, वही करण जो एक दिन मौत का साया बनकर हमारे सर पर मंडराता था। आज हम उसी का हाथ थामकर जिंदगी की राह पर चलने की कसम खा चुके हैं। तुम होश में तो हो? जानती भी हो क्या कह रही हो? तुम उससे प्यार? पागल हो गई तुम? पापा प्लीज हमारी बात तो सुनिए। तुम क्या बताना चाहती हो कि समाज में उसकी क्या जगह है? वो शराफत के माथे पर एक कलंक, दूसरों को बेइज्जत करने वाला एक जंगली जानवर, जहर से भरा एक जहरीला सांप, एक मुजरिम। वो मुजरिम नहीं रहा पापा, बुराई छोड़ चुका है। उसने ये सब हमारे लिए किया है, हमारे प्यार के लिए। हमने उसे नई जिंदगी दी है। गटर के गंदे पानी में अगर पूजा के फूल मिला दो तो वो गंगा जल नहीं बन जाता? गटर का गंदा पानी गंगा में मिलकर गंगा जल ही बन जाता है पापा। करण पश्चाताप की आग में जलकर कुंदन बन चुका है। दुनिया के जुल्म और नफरत ने उसे अंधेरों में गिरा दिया था, हमारी मोहब्बत वापस उसे रोशनी में ले आई है। नहीं, ये नामुमकिन है। सीते जी, मैं तुम्हें उस आग में नहीं कूदने दूंगा। आज के बाद तुम उसे नहीं मिलोगी। बट आई लव हिम पापा, आई लव हिम। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? हाँ, हमें कैसे जीना है, किससे प्यार करना है, इसका फैसला करने का अधिकार सिर्फ हमारा है। हम करण के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तुम मौत को गले लगाना चाहती हो? छोड़ दो उसे। हम सब कुछ छोड़ देंगे, ये घर, ये दुनिया, ये जिंदगी, लेकिन करण को नहीं। तुम ऐसा कर सकती हो क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हें अब मेरी कोई जरूरत नहीं। जाओ! मैंने तुझे हर रिश्ते से आजाद किया। इस बंधन से विदाई के बाद तुझे हर वो अधिकार दिया जो तेरे बाप के चेहरे पर काली पोतने वाले करण को खुश कर सके। हर वो अधिकार जिससे तू अपने गुरु, अपने बाप, अपने हर 15 मिनट में इनका बीपी चेक करती रहना। यस डॉक्टर। तुम वार्ड पे जाके देखो काजल, इट वॉज अ मेजर हार्ट अटैक, बट वी आर लकी कि हम उन्हें बचाने में कामयाब हो गए। बट यू डोंट वरी, अभी थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। तुम जाके उनसे मिल सकती हो। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आपके बिना जी नहीं सकते। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तो आप हैं। आप जो चाहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप ही हमसे रूठ गए तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे पापा, कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पापा, पापा हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। अजल, काजल बेटी, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। वाह यार, अच्छा समझी है, शादी की तैयारी करने के बजाय यहाँ आराम फरमा रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? राइट डैड, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा अंकल। फाइल आगो अंकल, अभी तो आपको मेरी शादी में भांगड़ा डालना है। क्यों काजल, कब लेके आऊं बारात? क्या हुआ? हाँ? दीदी, क्या हुआ? उसकी शादी है ना। हाँ?